तो फ्रेंड्स कैमरा को फोकस करते हो तो सैमसंग भी रेस में आ चुका है। फ्रेंड्स सैमसंग अपने नए स्मार्टफोन सैमसंग A9 अभी ग्लोबली लॉन्च कर दिया है। और फ्रेंड्स आपको बता देता हूँ कि सैमसंग जो फोन है A9 वो वर्ल्ड का पहला ऐसे स्मार्टफोन है जहाँ पे आपको रियर में 4 कैमरा सेटअप मतलब क्वाड कैमरा सेटअप यहाँ पे आपको मिलने वाला है। और फ्रेंड्स यदि आपको याद हो तो हुआई ने भी एक स्मार्टफोन था जिसका नाम था फ्रेंड्स हुआई P20 Pro, जिसमें आपको फ्रेंड्स 3 कैमरा सेटअप मिलते थे। और यदि DXO मार्किंग की बात करें जो कि कैमरा को रेट करती है, उसके अकॉर्डिंग में जो हुआई का P20 Pro था फ्रेंड्स वो DXO मार्किंग में भी टॉप पर था, क्योंकि उसमें आपको 3 कैमरा सेटअप मिलते थे, इसकी वजह से उसकी जो कैमरा परफॉर्मेंस थी फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी हो जाती थी। अब वही सैमसंग ने फ्रेंड्स ने जो स्मार्टफोन लॉन्च किया सैमसंग A9, इसमें आपको 4 कैमरा सेटअप मिलता है। तो फ्रेंड इस वीडियो में हम सैमसंग A9 के बारे में बात करने वाले हैं और इसके कैमरा को भी आपको कंपेयर करके बताने वाला हूँ कि क्या क्या इसमें आपको स्पेक्स मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स पूरा मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स मेरा नाम है महक, आप देख रहे हैं मेहकटेक्नॉक्स। तो फ्रेंड्स करते हैं इस वीडियो की शुरुआत, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स पहले तो मैं आपको यहाँ पे DXO मार्किंग दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे देख रहे हैं DXO मार्किंग Huawei P20 Pro की, जिसमें फ्रेंड आपको 3 कैमरा सेटअप मिलता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं DXO मोबाइल की जो रैंकिंग दी गई है 109 दी गई है, जो कि अभी तक टॉप पे चल रही है, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। फ्रेंड जो एप्पल का नया आईफोन है आईफोन एक्सेस मैक्स, उसको भी इसने पछाड़ दिया है Huawei का जो ये फोन है। और फ्रेंड्स की यही वजह है कि इसमें आपको 3 कैमरा सेटअप मिलता है, जिसकी वजह से इसकी जो कैमरा परफॉर्मेंस है फ्रेंड्स वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। और मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि क्या क्या इसमें कैमरा का सेटअप मिलता है। फ्रेंड यहाँ पे आपको 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें आपका जो मेन कैमरा है फ्रेंड्स वो 40 मेगापिक्सल का रखा गया है, और जो सेकंड कैमरा है फ्रेंड्स वो 20 मेगापिक्सल का रखा गया है। एंड जो टेलीफोटो कैमरा है जो कि आप जूम के लिए यूज़ में लेते हैं, वो आपको 8 मेगापिक्सल का मिलता है, जो कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन एंड फोकल लेंथ के लिए यहाँ पे रखा गया है, जो कि काफ़ी अच्छी इसकी जो इम्प्रूवमेंट है जो पिक्चर इम्प्रूवमेंट उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। तो इसी वजह से फ्रेंड्स Huawei का ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था और अच्छी अभी थी, DXO मार्केट में भी टॉपर चल रहा है। तो हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स हमारे जो सैमसंग के बारे में आज बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, वो है सैमसंग का A9, जिसमें आपको मिलता है 4 क्वार कैमरा सेटअप, जो कि वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन है जिसमें आपको 4 कैमरा सेटअप मिलता है। अभी तो अभी इसकी DXO मार्किंग नहीं आई है, लेकिन आने वाले कुछ समय में इसकी DXO मार्किंग आ जाएगी, और तब यहाँ पे हम देख पाएंगे कि ये जो कैमरा सेटअप है वो आप कितनी अच्छी इमेज क्लिक कर सकता है, कितनी अच्छी फोटोज़ क्लिक कर सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह है सैमसंग का A9, अभी उसके कुछ कलर वेरियंट्स को भी लॉन्च किया गया है। और फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि अभी ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है कि ये जो फ़ोन है वो इंडिया में अवेलेबल होगा या नहीं, अभी इसकी ग्लोबल लॉन्चिंग ही की गई है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया है कि इंडिया में अवेलेबल होगा या नहीं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ चारों कैमरास के बारे में। तो फ्रेंड्स पहला जो कैमरा मिलता है 8 मेगापिक्सल का, वो अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है, जिससे आप लार्ज व्यू कैप्चर कर सकते हैं। दूसरा जो टेलीफोटो कैमरा है वो 10 मेगापिक्सल का मिलता है ऑप्टिकल जूम के लिए, और इसका जो मेन कैमरा है फ्रेंड्स वो 24 मेगापिक्सल का आपको मेन कैमरा मिल जाता है। साथ ही जो बोके मोड के लिए कैमरा रखा गया है फ्रेंड्स वो 5 मेगापिक्सल का रखा गया है, जिससे आप लाइव फोकस भी लाइव फोटोज भी क्लिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चारों कैमरास को काफ़ी अच्छी उस पर फीचर्स पर इसको इंस्टॉल किया गया है, और यहाँ पे इसकी इंटरनल स्टोरेज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको 120 जो इसके 2 मोड्स हैं आपके आपको मिलते हैं 6GB रैम वाले, ये आप देख सकते हैं स्पेक्स। और इसका फ्रेंड जो सेल्फी कैमरा है फ्रेंड उसको भी 24 मेगापिक्सल का रखा गया है, जिससे आप अच्छी जो सेल्फीज है वो क्लिक कर सकते हैं। और 6GB रैम और 8GB रैम के वेरियंट है, जिसमें आपको दोनों फ़ोन में ही 128GB की इंटरनल मेमोरी मिलती है। और बैटरी रखी गई फ्रेंड्स 3800mAh की बैटरी रखी गई है, और खास बात यह है कि इसमें आपको OS 8.0 मिलता है। अभी ये तो पता नहीं है कि इसमें आपको 9.0 पाई वर्जन मिलेगा या नहीं। और सेंसर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो मैंने आपको इस फ़ोन के बारे में पूरा डिटेल में बता दिया है। ये इस फ़ोन की कुछ खासियत जो कि आपको अभी तो अभी जैसे फ़ोन अभी इंडिया में लॉन्च हो गया है, जैसे मार्केट में आएगा उसके बारे में फिर और डिटेल में हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स ये था एक स्नीक पीक वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स यदि ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो आप मिस ना हो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।